हेलो बच्चों, मेरा नाम अजीत राय है और मैं आप लोगों को यहाँ पे 11th का फर्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक, और 11th की चीज़ें पढ़ने के लिए हमको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन और बहुत ज़्यादा कंसेप्ट बिल्ड करने की ज़रूरत है। रीज़न ये है कि 10th तक हमारी जो आदत रहती है क्वेश्चन आंसर रटने की, और वहीं से क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन जब हम 11th 12th में जाते हैं, उसके बाद हम नीट और IIT के लिए अपियर्ड होते हैं, तो वहाँ पे सारी चीज़ें कंसेप्चुअल आती हैं। मतलब रटी हुई चीज़ें सब मिस कर जाओगे और वहाँ से IIT और नीट क्रैक नहीं होगा। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो स्पेशली नीट और IIT के लिए अपियर होने वाले हैं 2 साल बाद। ठीक है, क्योंकि बोर्ड के बच्चों के लिए तो सारी चीज़ें बोर्ड में हमारे स्कूल के टीचर ही पढ़ाते हैं, लेकिन जो मैं पढ़ाऊंगा वो सारा का सारा कंसेप्ट बोर्ड में भी मिलेगा। चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, महाराष्ट्र बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, चाहे ICSE बोर्ड हो, ये सारा का सारा कंसेप्ट वहाँ पे मिलेगा। लेकिन मेरा जो मोटिव है IIT और नीट के लिए, बेस्ट कंसेप्ट बिल्ड करना बच्चों के अंदर। ठीक है, तो ये टॉपिक जितना आसान है उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एवरी ईयर नीट और IIT में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, आप बहुत ही आराम से, बहुत ही ध्यान से मेरी बातों को सुने और आसपास की डिस्टरबेंस को बिल्कुल बंद करें, है ना। अकेले में बैठे कहीं पर और वीडियो को एक बार में पूरा देखें, मैं गारंटी देता हूं कि इस वीडियो के खत्म होते एंड तक आपको फील आ जाएगा, रियलिटी में आपको ये रियलाइज होगा कि क्या है फिजिक्स। जो बच्चों के दिमाग में अभी तक बैठा हुआ है कि फिजिक्स बहुत टफ सब्जेक्ट है, तो रियली में उनको फील होगा कि नहीं, फिजिक्स टफ नहीं है, फिजिक्स एक इंटरेस्टिंग एंड कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। ठीक है ना, मेरे टाइम पे मेरा फिजिक्स फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था, फिजिक्स। आप लोग देखिए, मैं आप लोगों की पूरी गारंटी देता हूं कि फिजिक्स आप लोगों का भी फेवरेट बन जाएगा, इतना आसान को पढ़ाऊंगा मैं, बहुत हमारी लैंग्वेज बहुत ईजी से यूज करने वाले हैं। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, चलिए मैं बहुत आराम आराम से पढ़ाऊंगा, क्योंकि आप लोग अभी जस्ट 10th से 11th में आए हो। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, देखिए सबसे पहले बच्चों की फिजिक्स के बारे में समझते हैं, ये फिजिक्स है क्या चीज, पहले हम थोड़ा सा आपको समझाएं, फिर यहां पे बोर्ड पे लिखेंगे। देखो बच्चों, फिजिक्स का मतलब ये है, अगर देसी भाषा में कहा जाए, हमारी आपकी भाषा में, बिल्कुल इंडियन भाषा में, तो फिजिक्स है मेजरमेंट। जिस चीज को मैं मेजर कर सकता हूं वो फिजिक्स है, और दुनिया में जितनी भी चीजें हैं मैक्सिमम चीजों को मेजर किया जा सकता है, मतलब सारी चीजें क्या है, फिजिक्स है। मेरे आसपास जितनी भी चीजें हैं सब कुछ फिजिक्स है, क्या बात है ना। अब क्या है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको मेजर नहीं कर सकते हम, है ना, कुछ चीजें हैं जिसको मेजर कर सकते हैं। तो फिजिक्स ने एक नाम दिया उन लोगों को, वो क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकते हैं उनको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी, और वो क्वांटिटी जिनको मेजर नहीं किया जा सकता है उनको बोलते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी। जो क्वांटिटी मेजर करी जा सकती वो तो हमको दिखता है, जैसे इस बोर्ड की लेंथ को मेजर कर सकते हैं, इस मार्कर की लेंथ को मेजर कर सकते हैं, मेरी हाइट को मेजर किया जा सकता है, रोड पे जो गाड़ियां चल रही हैं उनकी स्पीड कितनी है, उनका एक्सीलरेशन कितना है, सब कुछ को मेजर किया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको मेजर नहीं कर सकते हैं बच्चों, जैसे मेरे इमोशंस, है ना, मेरे इमोशंस या आपके इमोशंस को मेजर नहीं कर सकता फिजिक्स, हम कितने दुखी और कितने खुश हैं। कभी कभी आदमी होता है ना, ऊपर से बहुत खुश दिख रहा है लेकिन अंदर उसके बहुत दुख भरा हुआ है, है ना, तो वो सारी चीजें मेजर नहीं कर सकते हम। कोई आदमी कितना अमीर है, कोई आदमी कितना गरीब है, इसको फिजिक्स मेजर नहीं कर सकता है। ठीक है ना, तो चलिए इसको फटाफट लिखते हैं, फिर आगे काम की बातें करेंगे। ये तो सिर्फ फील के लिए मैंने बता दिया, यहां से कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो फिजिक्स क्या है, इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी कैन मेजर फिजिकल क्वांटिटी। क्या करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। अब ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है सर, अभी हमने बताया
क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब ये बच्चों कि वो क्वांटिटी दोज क्वांटिटीज विच कैन मेजर बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड जो भी कुछ होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए है मास है, लेंथ है, टाइम है, बहुत सारी चीजें हैं एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें जिसको मेजर कर सकते हैं। और नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है बच्चों, नॉन फिजिकल क्वांटिटी दोज क्वांटिटी विच कैन नॉट मेजर। कौन सी होती है वो क्वांटिटी, बोलो कौन सी क्वांटिटी होती है, कितनी होती है, इमोशंस और रिच पुअर एटसेट्रा, ये सारी क्वांटिटी बच्चों मेजर नहीं करी जा सकती है। जल्दी से आप लोग इसको कॉपी करिए, वीडियो को पॉज करिए, इसको नोट डाउन करिए और मैं इसको रफ करता हूं। चलिए तो हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि फिजिक्स क्या होती है, हमने समझा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। अब हम समझने वाले हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी बच्चों, कि टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी होती है। देखिए टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, तो देखो बच्चों तीन तरीके फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, तीन तरीके की। एक क्वांटिटी होती है फिजिकल की फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरी होती है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी और तीसरी होती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है ना। हमने कितनी तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, तीन तरीके की, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब हम एक एक करके तीनों के बारे में समझते हैं कि ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, सप्लीमेंट्री क्या होती है, डिराइव्ड क्या होती है। ठीक है, चलिए इसको सीखते हैं। सबसे पहले बच्चों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, अब यहां से सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है ना। अब यहां से हमको बहुत ध्यान से सारी चीजें सुननी है, क्या है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। देखो बच्चों दोज क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट टू एनी अदर क्वांटिटीज is known as फंडामेंटल क्वांटिटी। अब हम बार बार फिजिकल नहीं लिखेंगे, क्वांटिटीज, ठीक।
क्या बोला मैंने, वो क्वांटिटीज जो सिर्फ और सिर्फ खुद पे डिपेंड करे उसको कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, या फिर दूसरी भाषा में वो क्वांटिटीज जो किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड ना करे, इंडिपेंडेंट टू एनी अदर क्वांटिटीज इज नोन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। जैसे हम आप, हम तो नहीं आप, है ना, क्या होता है कि हम किसी पे डिपेंड नहीं है, हम किसी पे डिपेंड नहीं है ना, मन मौजी है बिल्कुल, जो कर दिया कर दिया, जो कह दिया वही है इनका, ये बिल्कुल मनमौजी है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी, कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये किसी दूसरी क्वांटिटी से इंडिपेंडेंट है, कोई दूसरी क्वांटिटी आके इनको अफेक्ट नहीं करती है। ठीक है सर, बहुत अच्छा, एग्जाम्पल भी दे दो इसी बात पर, तो एग्जाम्पल ले लो, है एग्जाम्पल वही है मास, मास किसी को डिपेंड, मतलब किसी पर डिपेंड नहीं करता, ये लेंथ भी डिपेंड नहीं करती है। अब इन सब चीजों को अभी डिटेल में समझाने वाले आगे हम, टाइम, ये सब चीजें जो है डिपेंड नहीं करती किसी चीज पे, जैसे हमारा कोरोना है ना, कोरोना क्या है, किसी पे डिपेंड नहीं करता, टाइम आ रहा है जा रहा है, लोग बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन कोरोना क्या है, किसी पर डिपेंड नहीं कर रही है, चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है, और पता नहीं कब तक जाएगा। फंडामेंटल क्वांटिटी के अंदर देखते हैं इसको, कोरोना छोड़ो सर मजाक नहीं, अब दूसरा सुनो, फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई, अब उसके बाद डिराइव्ड क्वांटिटी समझते हैं, उसके बाद सप्लीमेंट्री देखेंगे। डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है, डिराइव्ड क्वांटिटीज दोज क्वांटिटीज, ध्यान सुनना, दोज क्वांटिटीज which depends on, fundamental quantities is known as derived quantities। जल्दी से इसको छापिए, नहीं छापना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं थोड़ा कैमरा देख लूं मेरा सही है, हाँ बिल्कुल सही है, सब कुछ दिख रहा है, चलिए जल्दी से छापिए इसको। रफ कर रहे हैं हम, एक दो तीन, चलो चलिए, अब हमको क्या समझना है बच्चों, ये मैंने आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज की बहुत ब्रीफ इंफॉर्मेशन दी है, अभी डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं थोड़ी देर बाद। अब हमने क्या बोला कि ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इन फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करना है, फिजिक्स इसको मेजर करती है, तो मेजर करने का एक तरीका होता है, चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो कि हमारी मम्मी ने हमको बोला है कि मार्केट से सब्जी खरीद के लाना है, आलू लेके आना है, तो आप पूछोगे मम्मी कितना लाना है, तो मम्मी ने कहा कि 5 केजी लेते हैं आलू। आप गए मार्केट, मार्केट में गए, आपने बोला भैया हमको 5 दे दो, अब दुकानदार को समझ में ही ना आए कि आप 5 क्या बोल रहे हो, फिर से उसने पूछा भैया क्या बोल रहे हो आप, तो आपने कहा भैया 5 दे दो, तो वो आपको 5 पीस आलू उठा के दे देगा। अब आलू 5 पीस उठा के दे देगा तो क्या होगा, आपको समझ में आएगा कि यार कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, ये 5 आलू कौन लेता है, कुछ हमसे तो नहीं गलती हो रही है। फिर आपको ध्यान आएगा कि हमारी मम्मी ने हमको 5 केजी बोला था, 5 नहीं बोला था, फिर हमने बोला दुकानदार से कि हमको 5 केजी आलू दे दीजिए, तो दुकानदार क्या करेगा, आपको 5 केजी मेजर करेगा और आराम से आलू दे देगा। दिक्कत कहां पे आ रही थी, पहले दिक्कत यह आ रही थी कि आप उस दुकानदार को प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे थे, आपने कहा 5 जबकि आपको बोलना चाहिए था 5 केजी। ये केजी क्या होता है, तो केजी होता है यूनिट, मतलब ये है बच्चों कि किसी भी क्वांटिटी को, चाहे वो फिजिकल क्वांटिटी हो चाहे वो डिराइव्ड क्वांटिटी हो जो लिखा था मैंने, कोई भी क्वांटिटी हो, अगर हमें उस क्वांटिटी को मेजर करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, उसकी एक यूनिट डिसाइड करनी होगी। विदाउट यूनिट वी कैन नॉट आइडेंटिफाई एनी क्वांटिटीज,
नहीं कर सकते क्वांटिटीज को आइडेंटिफाई, कौन सी क्वांटिटी कितनी है, किसके बारे में कितनी बातें हो रही हैं। तो हमने कहा कि हम यूनिट डिसाइड करेंगे। तो हमारे अलग अलग देशों के, पूरे वर्ल्ड के जो साइंटिस्ट लोग होते हैं, एक यूनिट होती है, सॉरी एक मीटिंग होती है, वहां पे सभी लोग यूनिट यूनिट डिसाइड करी जाती है, ठीक है। तो वहां से यूनिट बनाया गया और उस यूनिट के बेसिस पे चीजों को मेंशन किया गया। अगर ये बोर्ड है तो इस बोर्ड को बोलोगे दो, ये दो क्या होता है, दो मीटर है, दो केजी है, दो किलोमीटर है, क्या है, केजी तो बोलोगे नहीं, मतलब कि लेंथ की क्या यूनिट होती है, मास की क्या यूनिट होती है, टाइम की क्या यूनिट होती है, टेम्परेचर की क्या यूनिट होती है, इन सब की यूनिट बनाई गई और यूनिट बना के सब लोगों को दे दिया गया कि इस चीज को हमने फॉलो करना है। तो चलिए देखा जाए कि यूनिट क्या है और यूनिट की क्या जरूरत है, वो तो मैंने आपको बता दिया। यूनिट आज के बाद दुकान पे जाना है तो सिर्फ ऐसे ही उठा के नहीं बोला पांच दे दो, भगा देगा वो दुकानदार, गालियां भी देगा। तो हमको क्या देना है, यूनिट बताना है, तो यूनिट बताइए और उसके साथ वैल्यू भी बताइए। चलिए बच्चों जरा यूनिट के बारे में समझते हैं। यूनिट इट गिव्स एन आइडिया अबाउट द क्वांटिटी। मतलब ये है कि हमको पता चलेगा कि कोई क्वांटिटी कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, ये हमको यूनिट बताता है। और ये जो यूनिट है ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रहती है, ऐसा नहीं कि जो मन किया वही यूनिट हमने बना दिया। चलिए सर ओके, आगे क्या किया जाए। अब यूनिट कैसे बनता है और कैसे इसको समझाते हैं, जरा एक चीज से समझते हैं। हमने क्या बोला, हम गए मार्केट, हम लेके आए आलू, इस आलू का मास 5 kg है ना। अब ये जो आलू है ना बच्चों, इस आलू को हम कहते हैं क्वांटिटी, क्या कहते हैं क्वांटिटी, ये आलू एक क्वांटिटी है और ये एक यूनिट है, क्या है केजी, क्या है यूनिट है। अब यूनिट के आगे एक वैल्यू दिख रही होगी आप लोगों को 5, इस 5 को बच्चों हम कहते हैं मैग्नीट्यूड, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं मैग्नीट्यूड। तो हमने आज के बाद फिर से चीजों को याद किया क्या, कि अगर किसी भी क्वांटिटी को मेंशन करना है तो दो चीजें चाहिए, एक मैग्नीट्यूड जिसको वैल्यू कहते हैं, ये यूनिट। अब मैग्नीट्यूड थोड़ा हाई फाई लग रहा है ना, मैग्नीट्यूड थोड़ा हाई फाई लग रहा है, देसी भाषा में समझो तो 5 को हम बोल देते हैं वैल्यू, क्वांटिटी कितनी है वैल्यू, जो भी यूनिट से पहले लग जाए ना वही मैग्नीट्यूड है। पूरी फिजिक्स में याद करके रखो, जो यूनिट से पहले लग गया वो उसका मैग्नीट्यूड है। चलो सर बहुत अच्छा, समझ में सभी लोगों को आ गया कि नहीं आया, समझ में आ गया सभी लोगों को, बहुत बढ़िया। तो हम ये लिख सकते हैं क्वांटिटी क्यू इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड को एन से रिप्रेजेंट कर दिया, यू को यूनिट से रिप्रेजेंट कर दिया, जो यूनिट है वो यू, एन है मैग्नीट्यूड और आलू है क्वांटिटी। चलो सर एक फॉर्मूला बच्चों ये हमको याद कर लेना है। अब यहां से एक नीट में सवाल पूछा जाता है, जरा देखते हैं नीट में क्या सवाल पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला 5 kg आलू और मेरा भाई गया मार्केट में, उसने कहा दुकानदार से भैया 5000 ग्राम आलू दे दो, मेरा भाई बहुत तेज है ना। मैंने बोला कि 5 kg आलू दे दो, मेरा भाई कहता है कि 5000 ग्राम आलू दे दो। हम दोनों सही हैं, मेरा भाई भी सही है, मैं भी सही हूं, फिर डिफरेंस किस चीज का है। तो देखो ये क्वांटिटी जो मैंने बोली, ये क्वांटिटी जो मेरे भाई ने बोला, क्वांटिटी टू। अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों तो जो क्वांटिटी 5 kg है ना वही क्वांटिटी 5000 ग्राम है। हमारी क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा है, हमारी कहने की भाषा, हमारी लैंग्वेज में फर्क पड़ा है। और कौन सी लैंग्वेज, जो हमने यहां पे यूनिट का और मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंटेशन किया है। तो हमने क्या बोला, अगर आप इस चीज को फील कर सकते हो ना, अगर आप इस चीज को फील कर सकते हो, ध्यान से देखोगे तो आपको यह एहसास होगा कि जो ग्राम है वो छोटी यूनिट होती है और ये जो केजी है वो बड़ी यूनिट होती है। ठीक, ग्राम छोटी यूनिट, केजी बड़ी यूनिट। अगर हमारी यूनिट बच्चों छोटी है तो उसके साथ लगा हुआ मैग्नीट्यूड बड़ा होगा,
अगर हमारी यूनिट बड़ी है तो उसके साथ लगा हुआ मैग्नीट्यूड छोटा होगा। क्या याद कराया मैंने? मैंने कहा कि क्वांटिटी यूनिट के बदलने से चेंज नहीं होती है। फिर मैंने कहा आपको कि अगर ये कोई यूनिट है, अगर ये यूनिट छोटी है तो इसके साथ लगी हुई क्वांटिटी बड़ी होगी, और अगर ये यूनिट बड़ी है तो इसके साथ लगी हुई क्वांटिटी छोटी होगी। तो क्या इसको कह सकते हैं हम? जरा देखिए, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? जरा इसके लिए 5 kg के लिए, ये Q1 था, ये Q2 था। हमने कहा Q1 is equal to N1 U1, ये मैंने बोला, और Q2 is equal to N2 U2। Q1 Q2 क्या है? Q1 and Q2, Q1 and Q2 क्या है? तो ये है बच्चों क्वांटिटीज, क्वांटिटी। अब N1 N2 क्या है? N1 and N2 ये है मैग्नीट्यूड। क्या है ये? मैग्नीट्यूड। और U1 and U2 क्या है? U1 and U2 ये है यूनिट। ठीक है ना? चलो जरा लिखा जाए। हमने कहा क्वांटिटी 1 इज इक्वल टू क्वांटिटी 2, और क्वांटिटी 1 की वैल्यू कितनी है? N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू U2 अपॉन U1। अगर हमारे बच्चे समझदार हैं, अगर हम समझदार हैं थोड़ा सा, तो ये देख रहे हैं N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू U2 अपॉन U1। इट मींस N एंड U, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट, बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। क्या बोला मैंने? यूनिट एंड मैग्नीट्यूड both are inversely proportional to each other. If we increase the magnitude, unit will be decreases. खत्म। इतना याद करना है हमने। तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं n मतलब magnitude, और ये रहा u। ये आपको याद करके रखना है, n is directly inversely proportional to u। तो मैं इसको लिखता भी हूं, पहले कुछ और लिख लेते हैं। n1 u1 is equal to N2 U2 is equal to constant भी तो बोल सकता हूं। जी सर, बिल्कुल बोल सकते हो। जल्दी से कॉपी करिए इसको, जल्दी से इसको कॉपी करिए, फिर हम एक नोट लिखाएंगे आप लोगों को। जल्दी से कॉपी करिए, कर लिया होगा कॉपी आप लोगों ने? चलिए बच्चों, बर्फ कर रहा हूं यार, आदत हो गई है पढ़ाते पढ़ाते ना, आदत हो गई है। मैं बार बार मेरे मुंह से निकलता है बच्चों लिख लो, क्योंकि मैं हर रोज बच्चों कहता हूं लिख लो लिख लो, तो बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे। चलिए, तो अब हमको क्या करना है? अब हमको एक नोट लिखना है। क्या नोट लिखना है बच्चों? ये एक इंपॉर्टेंट नोट है जिसको कि आप लिखेंगे और दिमाग में सेट कर लीजिए। नया नोट लिखेंगे, यूनिट सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ एनी क्वांटिटी इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू इट्स यूनिट। ठीक, दूसरी भाषा में कह सकते हैं, इफ वी इंक्रीज द मैग्नीट्यूड इफ वी इंक्रीज द मैग्नीट्यूड देन यूनिट विल बी डिक्रीजेस, यूनिट विल बी डिक्रीजेस। चलो सर, ये भी समझ में हमको आ गया कि मैग्नीट्यूड बढ़ाने से यूनिट घट जाया करती है, और यूनिट की जरूरत क्यों पड़ती है? यूनिट की जरूरत क्यों पड़ती है? किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्यों क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है? अरे यार, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो कैसे समझाएंगे आप, है ना? चलिए, अब बच्चों यूनिट भी कई तरीके की होती है। एक होती है डिराइव्ड यूनिट और एक होती है फंडामेंटल यूनिट। क्या होती है? एक होती है डिराइव्ड यूनिट और एक होती है फंडामेंटल यूनिट। क्या बोला हमने?
टाइप्स ऑफ यूनिट, एक होती है फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, इसी को कुछ कुछ बुक्स में बेस यूनिट भी लिखा हुआ है, दोनों ही बातों का सेम मतलब है। और दूसरा है बच्चों डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड यूनिट। ठीक, अभी फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, इसमें बेस यूनिट क्या होती है, लिख लेते हैं जरा इसको। दोज क्वांटिटीज या दोज यूनिट, या दोज यूनिट विच मेजर, दोज यूनिट विच मेजर द फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज। जैसे कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी लिखी थी मैंने, मास लिखा था, लेंथ लिखा था, टाइम था, टेम्परेचर है, बहुत सारे हैं ऐसे ऐसे, अभी हम बहुत सारे मतलब साथ हैं। और डिराइव में क्या होता है, डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड यूनिट है ना, डिराइव्ड यूनिट, दोज क्वांटिटी विच मेजर, विच मेजर डिराइव्ड क्वांटिटी, दोज या दोज यूनिट ना, माफ करें मेरे को, दोज यूनिट विच मेजर डिराइव क्वांटिटीज। जैसे जैसे एरिया हो गया, एरिया, स्पीड, ये सब, ठीक है, एटसेट्रा। चलिए बच्चों जल्दी से इसको कॉपी करिए, मैं थोड़ा माइक देखूं, सही है मेरा, ओके बहुत अच्छा, कॉपी करिए इसको जल्दी से। हो गया होगा, चलिए रफ कर रहा हूं मैं, जल्दी से इसको फोटो खींच लो, जिनका नहीं हो पाता है वो फोटो खींच के रखते हैं, वीडियो को पॉज करके लिखा रहे हैं। अब बच्चों क्या होता है, सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट की क्यों बातें करी जा रही हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ाने का मकसद यह है कि जैसे आपने सुना होगा कि हमारे देश में इंडिया में केजी यूज करते हैं, है ना, किसी यूएस में चले जाओगे तो वहां पे केजी को पाउंड में बोलते हैं, इतने पाउंड, उतने पाउंड, है ना, 2 पाउंड 4 पाउंड 10 पाउंड। मतलब यह है कि अलग अलग कंट्री अपने अकॉर्डिंग, मुझे नहीं पता कौन सी कंट्री क्या क्या करती है, लेकिन अब कुछ कुछ कंट्रियां अपने अकॉर्डिंग यूनिट को समझती हैं और एक्सप्लेन करती हैं, ठीक है। तो कुछ एसआई यूनिट्स हैं जो कि हम फॉलो करते हैं और कुछ अलग अलग यूनिट्स हैं, तो हमको यह पढ़ना है कि कितने तरीके के सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, देखा जाए जरा कितने तरीके के हैं, चलो देखते हैं बच्चों, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सब कुछ पढ़ाऊंगा मैं, सब कुछ, इसमें जितनी भी चीजें बताएंगे कुछ भी चीज स्किप नहीं करी जाएगी, अच्छे से पढ़ते रहो बिल्कुल। सिस्टम ऑफ यूनिट बच्चों क्या है, पहला ले लेते हैं सीजीएस, सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट का मतलब क्या बच्चों, देखना, सी फॉर होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, है ना, जी फॉर होता है ग्राम, और एस फॉर होता है सेकेंड, ठीक है सर, बहुत अच्छा। दूसरा है FPS सिस्टम, FPS यूनिट, या फिर सिस्टम कहेगा, सिस्टम कहेंगे तो ज्यादा अच्छा है, FPS सिस्टम या CGS सिस्टम, लोग सिस्टम कह देते हैं, कुछ भी कहो कुछ फर्क नहीं पड़ता। F फॉर होता है बच्चों फुट, है ना, जो हम सेंटीमीटर मेजर करते हैं फुट में वो मेजर करते हैं। P फॉर होता है बच्चों पाउंड, और S फॉर होता है सेकेंड, है ना, सेकेंड, सेकेंड का होता है टाइम। तीसरा है MKS सिस्टम, MKS
सिस्टम। एम क्या है बच्चों, एम है मीटर, एम स्टैंड फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, किलोग्राम, और एस फॉर सेकेंड, ठीक है ना। चलो सर इसके बारे में थोड़ा समझा दिया जाए। देखो क्या है, अलग अलग तरीके के सिस्टम है। अब इन अलग अलग तरीके के सिस्टम को अलग अलग कंट्री फॉलो करती है। हमको इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए कि कौन सी कंट्री क्या फॉलो करती है, सिर्फ इतना जानो कि सीजीएस स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, मतलब वो लोग जो लेंथ का मेजरमेंट करते हैं मीटर किलोमीटर में, सेंटीमीटर में करते हैं, है ना। अब जो हमारा जी है ग्राम, ग्राम किसकी यूनिट होती है, मास की यूनिट होती है। मतलब वो लोग जो मास बताते हैं, दुकान पे जाएंगे तो 4 kg आलू को 4000 ग्राम आलू बोलते हैं, सेकंड है। उसी तरीके से FPS सिस्टम है, F का मतलब फुट, जो लेंथ होती है फुट में, पाउंड मास, सेकंड टाइम। उसी तरीके से MKS सिस्टम है, लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, मास को किलोग्राम में, और टाइम को सेकंड में। हम MKS सिस्टम ही फॉलो करते हैं। क्या करते हैं हम इंडियन, MKS सिस्टम फॉलो करते हैं। और इस MKS सिस्टम को ही SI सिस्टम भी कह दिया जाता है, जिसको हमने क्या करना है, फॉलो करना है। और पूरी फिजिक्स में कुछ नहीं बोला गया है, मतलब आप MKS सिस्टम को, मतलब कि SI सिस्टम को देखो, है ना। ये जो MKS सिस्टम है इसको इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया है, इसीलिए इसको SI सिस्टम कहते हैं, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, SI यूनिट इसको कह दिया जाता है। अब हम देखेंगे कि वो कौन कौन सी SI यूनिट है जो फंडामेंटल क्वांटिटीज में आती है। शुरू करें, चलिए इसको जल्दी से कॉपी करिए। चलिए बच्चों इसको जल्दी से कॉपी करिए। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ SI सिस्टम बोलेंगे हम, ऑन द बेसिस ऑफ SI सिस्टम तीन कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ SI सिस्टम तीन में डिवाइड किया गया था। कौन कौन सी थी, शुरुआत में मैंने लिखा था ना, अब यहां से मेन शुरू हो रहा है, फंडामेंटल क्वांटिटीज थी। ऑन द बेसिस ऑफ SI सिस्टम क्वांटिटीज कैन बी डिराइव इनटू थ्री पार्ट्स। क्या है ये, दूसरा सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज थी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, और तीसरा है डिराइव्ड क्वांटिटी। यही तो था कुछ देर पहले बोर्ड पर लिखा था मैंने। अब मैंने कहा था कि इसको डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, तो चलिए इसको डिटेल में पढ़ते हैं, समझते हैं क्या है। चलिए इसको जल्दी से छापिए, फिर इसको रफ करके पूरा लिखूंगा बोर्ड पे, बोर्ड को मुझे पूरा रफ करना है। अब फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सी है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज ये उसकी यूनिट लिखी जाएगी यहां पे, और यहां पे उसका सिंबल लिखा जाएगा। चलिए बच्चों, सबसे जो पहली क्वांटिटी है बच्चों, फंडामेंटल क्वांटिटीज पहली, वो हमारी है मास। मास की जो यूनिट है SI सिस्टम में बताना है, SI सिस्टम मतलब मास की जो यूनिट है वो है किलोग्राम, और इसकी जो सिंबल है वो है kg। बहुत अच्छा, सही है। दूसरा है लेंथ, लेंथ की जो यूनिट है कौन सी यूनिट, MKS वाली, SI वाली, ये कितनी है, मीटर, इसका सिंबल कितना है बच्चों, M है। तीसरा है क्वांटिटी टाइम, टाइम की यूनिट किसमें है मेजर करनी है, सेकंड में मेजर करनी है, और इसका सिंबल क्या है, S। फोर्थ क्वांटिटी है बच्चों टेम्परेचर। अब तो बहुत से बच्चों को रट गया होगा, हमारे जो टेंथ के नए बच्चे हैं उनको भी रट गया होगा, सर इतना बार आपने बोर्ड पे लिख दिया ना, मजा आ गया, पूरा रट गया उनको। टेम्परेचर की यूनिट बताइए बच्चों क्या होती है, केल्विन, केल्विन।
और इसका जो सिंबल है वो के है बच्चों। किसी किसी किताबों में थीटा से रिप्रेजेंट किया गया है, टेंशन नहीं लेना है, सेम चीज है। फिफ्थ है, फिफ्थ क्या होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्या है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट क्या होती है बच्चों, एम्पियर होती है, क्या होती है एम्पियर होती है, और इसका जो सिंबल होता है वो ए होता है। ठीक है सर, बहुत अच्छा। सिक्स जो है बच्चों, सिक्स ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो यूनिट है बच्चों वो है कैंडला। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो यूनिट है वो कैंडला है, और इसका जो सिंबल है सीडी। और जो सेवेंथ है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसकी जो यूनिट है वो क्या होगी मोल, और इसका जो रिप्रेजेंटेशन सिंबल है वो मोल है, मोल एमओएल। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने सेवन तरीके की फंडामेंटल क्वांटिटीज को लिख दिया विद यूनिट, कौन सी यूनिट है एमकेस वाली, एमकेस क्या है एसआई यूनिट, और ये उसका सिंबल। अब बच्चों मैंने आपको अगर याद होगा तो स्टार्टिंग में बोला था कि फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो किसी और क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करती हैं। मतलब ये है कि ये जो सेवन तरीके की फंडामेंटल क्वांटिटीज लिखी हुई है ना, ये ऐसी क्वांटिटीज हैं जो किसी पर भी डिपेंड नहीं करती है। ठीक है ना, किसी भी पर डिपेंड नहीं करती है, और दुनिया में जितनी भी क्वांटिटीज है सारी की सारी क्वांटिटीज इन सेवन क्वांटिटीज से मिलकर बनी है। मेरी बात समझ में आ रही सभी लोगों को ना, फील आ रहा है, सभी लोगों को समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो हमने क्या बोला, सेवन तरीके की फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज, और ये वो क्वांटिटी है जो कि एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ठीक है ना, अब मास, लेंथ, टाइम और टेम्परेचर पूरी दुनिया जानती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी भी कुछ बच्चे जानते होंगे टेंथ वाले जो इलेवेंथ में आए हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है सर, ये तो पहली बार सुन रहे हैं। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी बच्चों, जैसे कोई चीज कितनी चमकदार है, कोई चीज कितनी चमक रही है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है उसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी से। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो हमारे घर में दो रूम है, एक रूम के अंदर एक बल्ब है जो बहुत ग्लो कर रहा है, और दूसरे रूम के अंदर जो बल्ब है वो थोड़ा सा डिम है। तो जो ज्यादा ग्लो कर रहा है हम कहेंगे उसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्यादा है, जो थोड़ा डिम है उसको बोलेंगे उसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी कम है। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या रिप्रेजेंट करता है, कोई बॉडी कितनी चमकदार है, कितनी ग्लो कर रही है। मेरी बातें सभी लोगों को समझ में आ रही है ना, सभी लोगों को समझ में आ रही मेरी बातें। ओके, देखिए फिर क्या होता है, क्या होता है कि ये सारी की सारी क्वांटिटी बनाई गई और साइंटिस्ट लोगों ने बना के छोड़ दिया। फिर कुछ सालों बाद उनको याद आया कि कुछ और भी ऐसी क्वांटिटीज हैं जो कि रह गई हैं अभी बताना, तो उनके दिमाग में आया दो ऐसी क्वांटिटी और हैं जो कि किसी और क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती और उसको भी फिजिकल क्वांटिटी या फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज माना जा सकता है। वो कौन कौन सी क्वांटिटीज थी, उन दो क्वांटिटी को बोला गया प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। क्या बोला गया, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, और उसको बोलते हैं हम सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी। लिखा जाए सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी, लिख लें इसको, चलिए सर लिख लेते हैं, सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज, या सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी बोल दोगे तो काम चल जाना है। ठीक है ना, फंडामेंटल बार बार बोलेंगे अपनी। कौन कौन सी थी वो बच्चों क्वांटिटी, तो एक था प्लेन एंगल, हम अब जो यूज करेंगे सिर्फ एंगल यूज करेंगे, बार बार प्लेन नहीं बोलेंगे। और दूसरा है बच्चों सॉलिड एंगल। क्या बोला मैंने, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल क्या होता बच्चों, प्लेन एंगल पहले क्या होता वो तो बाद में बताएंगे। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन, और इसका जो सिंबल है वो है RAD। ठीक है सर, बहुत अच्छा। सॉलिड एंगल की क्या होती है यूनिट, इस पे रेडियन, और इसका जो सिंबल है वो SR है। जल्दी से कॉपी करिए, फिर इन दोनों को एक्सप्लेन करते हैं। इनको तो मैंने एक्सप्लेन कर दी, बता दी क्या, सब कुछ जानते हैं, और ये सब चीजें बार बार यूज होने वाली है,
तो हमको ऑटोमेटिक रट जाएगी। इन दो को समझाते हैं, जरा देख लें रिकॉर्डिंग हो रही सही से। ओके हो रही है बिल्कुल सही से। कितना टाइम हो गया? चलिए हो गया, चलिए मैं रफ कर रहा हूं। अब हमको समझना है बच्चों प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल क्या होता है। जरा देखिए प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का मतलब देखो, प्लेन एंगल जैसे मान लो कि ये दो लाइन है बच्चों, ये रही ए लाइन और ये रही बी लाइन। अगर मुझसे पूछा जाएगा कि ए वाले लाइन से बी वाला लाइन ऊपर है, आपने बोला यस सर ऊपर है, कितना ऊपर है, सबका मुंह बन जाएगा है ना, मुंह बन जाएगा ना सबका। फिर मैंने बोला कि ए वाली लाइन बी वाली लाइन से कितनी नीचे है, सब लोग बोलेंगे सर नीचे है। लेकिन अगर मैंने पूछा कि कितना ऊपर है, मेरे कहने का मतलब यह बच्चों कि जैसे मान लो कि ये एक प्लेन है और दूसरा एक ये प्लेन है ना। अगर ये वाला प्लेन इस प्लेन से नीचे है, ये तो हमको दिखता है, ये तो गांव में सब्जी बेचने वाला बता देगा ये नीचे है ये ऊपर है। और या फिर ये वाली लाइन इस लाइन से कितनी ऊपर है ना, तो हमको ये बताना आसान है कि ऊपर है नीचे है। लेकिन अगर बोल दिया जाए कि कितना ऊपर है कितना नीचे है, सब लोग मुंह बना दोगे। इसको बताने के लिए हमने डिसाइड किया कि हम एंगल की भाषा में बात करेंगे। मतलब ये है कि मैं ये कहूंगा कि ये वाली लाइन से ये वाली लाइन 30 डिग्री पे है, 40 डिग्री पे है, 60 डिग्री पे है, ऐसे करके। या फिर ये वाली लाइन इससे 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री नीचे है। मतलब ये है कि प्लेन एंगल हमको इस बात की जानकारी देता है कि कोई लाइन या फिर कोई प्लेन किसी दूसरे प्लेन से कितना इंक्लाइंड है, इंक्लाइन मतलब ऊपर होना, या फिर कितना डिक्लाइन है ना। चलो इसको बच्चों रिप्रेजेंट किया गया, इसको रिप्रेजेंट किया गया थीटा से। ये थीटा क्या होता है सर, पहली बार देख रहे हैं हम, ये पता है थीटा है ये, ठीक है ना, कुछ मान लो थीटा होता है। अब इस थीटा को मेजर करने का तरीका बोला गया, इस थीटा को कैसे मेजर करेंगे हम, कैसे मेजर किया जाएगा सर थीटा। तो देखो थीटा क्या है बच्चों, हमने स्कूल में सीखा होगा थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। जिसने अपने स्कूल में नहीं सीखा है वो याद कर लें, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। इसको कहते हैं आर्क, इसको कहते हैं आर्क। देखो हमारे पास जो प्रोटेक्टर ऐसे करके आर्क लगाते हैं ना, ये आर्क और ये रेडियस, इसकी वैल्यू दे देता हूं आर, इसकी वैल्यू मान लो दे दिया मैंने एक्स, ये वाली एक्स है, ये वाला रेडियस आर है। तो मैं लिख सकता हूं एक्स बाई आर, मतलब थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई आर। मजा नहीं आया ना, मजा नहीं आया। दूसरी लैंग्वेज सीख लो, जरा दूसरी लैंग्वेज देख लो। दूसरी लैंग्वेज है बच्चों टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। ये तो सभी लोगों को आता होगा, ये तो सभी लोगों को आता होगा, जो भी एट्थ नाइन्थ के बच्चे को आता है ये टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या होता है, एंगल के सामने वाली साइड, एंगल के सामने वाली साइड एक्स, और बेस क्या है, ये है बेस, ये आर तो ये भी आर, एक्स बाई आर। और अगर थीटा बहुत छोटा हुआ, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, तो टेन थीटा हो जाता है, टेन थीटा हो जाता है थीटा के बराबर। आपको फिजिक्स में ये बहुत मिलने वाला है, और मैं खुद पढ़ाऊंगा, और आप लोग जब मैथ्स पढ़ेंगे तो मैथ्स में भी ये बहुत यूज होगा। तो हम इसको टेन थीटा की जगह थीटा लिख दें, और थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई आर। आपके सामने दो चॉइस है, आपको जो मन करे वो याद करके रखो। ये याद करना है तो ये याद कर लो, याद रखना तो इसको याद करके रखो। चलो सर ये हमारा प्लेन एंगल आ गया। तो कोई पूछता है कि प्लेन एंगल क्या है, तो प्लेन एंगल हमें इस बात की इंफॉर्मेशन देता है कि कोई प्लेन या फिर कोई लाइन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कितनी इनक्लाइंड और कितनी डिक्लाइन है। इनक्लाइन का मतलब ऊपर उठना, डिक्लाइन का मतलब नीचे आना, ठीक।
चलो बच्चों अब दूसरा है सॉलिड एंगल। अब ये सॉलिड एंगल है जीवन में कभी यूज नहीं होगा, बस यहां पे यूज होता है और ट्वेल्थ में एक जगह छोटी सी जगह है वहां पे यूज होगा, तो इस पर हम ज्यादा फोकस नहीं करने वाले। देखो क्या होता है, जैसे मान लो ये तरबूज है ना, अलग अलग स्टेट में अलग अलग इसको कहते हैं, मुझे नहीं पता कि अलग अलग स्टेट में क्या कहते हैं, लेकिन इसको एक कॉमन है वर्ड तरबूज या वाटरमेलन कह लो, है ना। जब वाटरमेलन लेने जाते हैं, तरबूज लेने जाते हैं मार्केट में, तो दुकानदार से बोलते हैं भैया सही है कि नहीं सही है, वो क्या बोलता है चेक करके दिखा दें, तो हम कहते हैं हाँ चेक करके दिखाओ। तो अगर आपने नोटिस किया, मेरे गांव में तो ऐसे ही होता है, अगर आपने इसको नोटिस किया होगा तो वो कुछ ऐसे काटता है, एक चाकू लेगा और एक खचाक से काटेगा यहां पे, और इसका सेंटर है, और ये चीज बाहर निकाल के, ये चीज बाहर निकाल के ऐसे करके दिखाएगा हमको कि ये लो भैया देखो बिल्कुल सही रेड है, याद आ रहा कि नहीं, याद आ रहा होगा सभी लोगों को, इसका सेंटर, ये इसका रेडियस मान लो और ये उसका आर्क है ना बच्चों। जब आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना, इस चीज को ऑब्जर्व करोगे, तो चारों तरफ एक वॉल रहती है, दीवार रहती है तरबूज की। सबसे अच्छा एग्जांपल एक और समझ सकते हो, जैसे हमारा आइसक्रीम होती है, कोन वाली आइसक्रीम, जब आप उस आइसक्रीम की कोन को देखोगे तो चारों तरफ एक वॉल रहती है, कुछ ऐसा ही तो है ये है ना। तो ये हमारा वॉल है, और ये इस वॉल का, ये जो हमारा आइसक्रीम है, इस आइसक्रीम का ये वाला जो एरिया ना, ये है एरिया, क्या है एरिया है, ये उसका रेडियस है, और ये कहीं से भी इस वॉल से ना कहीं भी बना दो लाइन, ये उसका एंगल होगा, ठीक। अभी थीटा कितना होता है, तो ये थीटा हो जाता है बच्चों एरिया अपॉन आर का स्क्वायर। इस पर ज्यादा हमको ध्यान नहीं देना है क्योंकि ये ज्यादातर पूछा नहीं जाता, बस आपको इतना आना चाहिए सॉलिड एंगल की यूनिट इसके रेडियन पर ऐसा, और इसको कुछ ज्यादा यादवाद नहीं करना है, ठीक। मैंने आप लोगों को फंडामेंटल क्वांटिटी सिखाया, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी सिखाया, उनको एक्सप्लेन किया। अब सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज इज ऑल्सो नोन एज अ फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, बस इसको फंडामेंटल क्वांटिटीज ना बोल के सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इसको बाद में ऐड किया गया है ना। चलिए इसको जल्दी से कॉपी करिए, फिर आगे की बातें करते हैं। रफ कर दिया जाए, चलो सर रफ कर दिया जाए, सुनो। अब क्या होता है बच्चों, ये जो हमारा मास था, लेंथ था, टाइम था, इन सब का मेजरमेंट, उन सबके मेजरमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट मेजरमेंट है और कॉमन मेजरमेंट है वो है लेंथ। कभी आपने सोचा है कि लेंथ को कैसे मेजर कर सकते हैं? अगर मैं आपको बोलूं कि इस बोर्ड की लेंथ को मेजर करना है तो क्या करोगे, एक मेजरिंग टेप लेके आओगे, इसको मेजर कर दोगे। अगर मैं बोलूं कि आपके कॉलेज से आपके स्कूल तक की, या सॉरी आपके कॉलेज या फिर आपके स्कूल से घर तक की डिस्टेंस कितनी है, तो आप लोग क्या देखोगे, अपने गाड़ी के स्पीडोमीटर में देखोगे और मेजर करके मुझे बताओगे इतने किलोमीटर है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कह दूं कि अर्थ से सन तक की दूरी कितनी है, अर्थ से मून तक की डिस्टेंस बताओ, तो क्या करोगे, वहां मेजरिंग टेप लेके जाओगे, अर्थ से एक मेजरिंग टेप छोड़ा और मून तक लेके गए, ऐसा होगा क्या? मतलब ये है कि कुछ ऐसी बड़ी बड़ी क्वांटिटीज हैं जिनको मेजर करने के लिए हमको स्पेशल टाइप का मेथड चाहिए। बड़ी बड़ी लेंथ को मेजर करने के लिए एक स्पेशल मेथड चाहिए, उस मेथड के थ्रू ही हम उस लेंथ को मेजर कर सकते हैं। उस लेंथ को या उस क्वांटिटी को बच्चों कहते हैं पैरालेक्स मेथड। वो जो मेथड है जो दूर दूर क्वांटिटी को मेजर करता है, यहां से सन तक की दूरी कितनी है, यहां से मून तक की दूरी कितनी है, आप टीवी में सुनते होंगे यहां से लेके मून तक की डिस्टेंस इतनी है, सन तक की डिस्टेंस इतनी है, क्या कोई जाता होगा मेजरिंग टेप लेकर? नहीं, एक प्रोसेस है, एक मेथड है, उस मेथड के थ्रू क्या करते हैं, हम मेजर करते हैं, और उस मेथड को क्या कहते हैं, पैरालेक्स मेथड। तो लिखें जरा हम पैरालेक्स मेथड क्या है और एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो लिखते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ, क्या लिखेंगे, मेजरमेंट ऑफ लेंथ।
देखिए measurement of length अभी measurement of length क्या है तो बहुत सारी units हैं आपको तो याद करनी होगी बहुत सारी units है ना मैं यहां पे बहुत सारी units नहीं लिखवाने वाला हूं बस मैं to the point बात करूंगा कि क्या होती है ठीक है जैसे कुछ कुछ डाटा है अगर आपको मैं बोलता हूं कि 1 angstrom कितना होता है तो सभी लोग बता सकते हैं सर 10^-10 meter होता है 1 nanometer कितना होता है तो सभी लोग बता सकते हैं सर 10^-9 meter होता है ना उसी तरीके से बता सकते हैं सारी चीजें मुझे ये सब नहीं बताना है मुझे बताना है पैरालेक्स मेथड फॉर लार्ज मेजरमेंट we can use a method is known as parallax method ठीक है सर तो अगर आपसे कोई पूछा जाएगा अगर आपसे कोई पूछता है कि अर्थ से सन तक की दूरी को किस मेथड के थ्रू मेजर किया जाता है तो हमारा जवाब होगा पैरालेक्स मेथड के थ्रू ठीक है ना मैं यहां पे कुछ बातें नहीं लिख रहा हूं कि 1 angstrom ये तो कुछ कुछ मैंने लिख दिया बाकी सारी चीजें आप अपनी नोटबुक में देखेंगे उसको याद करेंगे क्योंकि इस छोटी छोटी चीजों को यूनिट को नहीं पढ़ना है हमको पैरालेक्स मेथड पढ़ना है चलो बच्चों पैरालेक्स मेथड देखते हैं कि क्या होता है ये चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं जैसे मान लो कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा तो देखिए क्या होगा जैसे मान लो ये मेरे सामने ये मेरा मार्कर है ना अगर मैं इस मार्कर को इस तरफ से देखूं मुंडी इधर करके तो मेरे को ये मार्कर लेफ्ट में दिखेगा मेरे और अगर मैं ऐसे करके देखूं तो ये मार्कर मेरे को राइट में दिखेगा है ना मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर ये सामने मार्कर रखा हुआ है तो इसको अगर मैं अपनी मुंडी इस तरफ करके सिर इस तरफ करके देखता हूं तो ये मेरे को लेफ्ट में दिख रहा है और अगर मैं मुंडी अपनी इस तरफ करता हूं तो ये मेरे को राइट में दिख रहा है आपने कई बार इन सब चीजों को ऑब्जर्व भी किया है जैसे कि इस मार्कर को अगर मैं अपनी एक आंख बंद करके देखूं तो यहां पे मुझे दिखेगा लेकिन अगर इस आंख को खोल के दूसरी आंख को बंद करके देखता हूं तो ये वाली चीज एक्चुअल में थोड़ी सी शिफ्ट दिखती है हमको क्या शिफ्ट हो जाती है शिफ्ट होती नहीं है हमको ये शिफ्ट अपीयर्ड होती है ना चले जरा देखते हैं कि क्या है सर बोर्ड पे लिखिए बातें कम काम ज्यादा है ना देखिए क्या है हमने कहा कि हम यहां पे कौन है हम है मैं और ये जो है इस मार्कर को हमने सामने रखा और ऐसे करके देखा तो हमको एक बार ये लेफ्ट में दिखता है एक बार ये राइट में दिखता है मान लो ये रहा कुछ तो क्वेश्चन लगाएंगे तब फील आएगा अभी ज्यादा फील नहीं लेना है तो हमने क्या कहा ये है ना तो ये इसका नाम रख देते हैं ए और ये इसका नाम रख दिया हमने बी तो हमने क्या बोला बच्चों कि ये जो पॉइंट है एम यहां पे हम खड़े हैं और एक सामने रखा है मार्कर उस मार्कर को हमने ऑब्जर्व किया और जब ऑब्जर्व किया तो हमको ये दो अलग अलग पॉइंट पे दिखते हैं है ना दो अलग अलग पॉइंट पे ऐसा रियलिटी में होता है घर पे करके देख लेना ठीक है अब ये दो अलग अलग पॉइंट पे दिख रहे हैं तो इनके बीच की डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगी इस डिस्टेंस को बच्चों हम बेस कहते हैं क्या कहते हैं बेस और इसको कह देते हैं डिस्टेंस कैपिटल डी से डिनोट कर दिया और ये वाला जो बच्चों एंगल कहलाता है अभी कुछ देर पहले बताया था मैंने ये थीटा है अगर मैं आपसे कह देता हूं कि ये थीटा कितना है तो क्या बोलोगे थीटा की वैल्यू सर थीटा की वैल्यू तो आपने सिखाया था आर्क अपॉन रेडियस ये तो सिखाया था अब अगर मैं कह देता हूं कि आर्क कितना है ये आर्क तो आर्क की वैल्यू है हमारे यहां पे बी और यहां पे है डी तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई थीटा की वैल्यू आ गई है बी अपॉन डी और मेरे को चाहिए यहां से इसकी डिस्टेंस डी
तो कैपिटल डी इज इक्वल टू बी बाय थीटा। समझ में आ गया होगा सभी लोगों को, सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे पैरेलेक्स मेथड के थ्रू हम लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो बहुत ही आसान मेथड है, अर्थ पे बैठे बैठे आप किसी मून की डिस्टेंस को पता कर सकते हो, किसकी हेल्प से, पैरेलेक्स मेथड की हेल्प से। एक क्वेश्चन करेंगे, दो क्वेश्चन करेंगे और ये फिर हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। टॉपिक खत्म नहीं होगा, यूनिट का कंसेप्ट खत्म होगा। अगला जो हमारा वीडियो बनेगा वो डायमेंशन पे बनेगा, है ना। तो चलो दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उन दो क्वेश्चन की हेल्प से हम बिल्कुल सवाल को उड़ा देंगे, है ना। चलिए मैं रफ कर रहा हूं, नोट कर लीजिए सभी लोग। हो गया 1 2 3 4 5। चलिए चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन लिखेंगे हम, फाइंड द एंगल ऑफ एनसीईआरटी का सवाल है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल ऑफ, पहला ही है क्या ये 1 डिग्री, दूसरा है 1 मिनट, ठीक है, और तीसरा है 1 सेकेंड। इसको कहते हैं आर्क मिनट भी कहा जाता है, ये वो वाला मिनट नहीं है घड़ी वाला 2 मिनट 4 मिनट, इसको आर्क सेकेंड भी कहते हैं, ये वाला नहीं है और ये डिग्री है। पता चला सर 2:04, ये वाला नहीं है, ये है लेंथ वाला मिनट और ये सेकंड। अब कुछ बच्चों बातें याद करके रखनी है जिसको कि आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया जाएगा, या बहुत से बच्चों ने जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी तो ये सारी चीजें उनको पता होंगी, है ना। चलिए तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ा है आप लोगों ने, मैं उसका एक ओवरव्यू देता हूं कि कैसे ये न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, और ये पता करने के बाद हम पैरेलेक्स मेथड वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। देखो बच्चों, हम सभी लोग ये जानते हैं कि 1 डिग्री या फिर 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन लिख दो ऐसे करते, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, सभी लोग जानते हैं, कोई ऐसा बच्चा जो नहीं जानता हो। या फिर हम ये भी कह देते हैं 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ये भी कहा जा सकता है, दोनों ही बातों का सेम मतलब है, इसको डिवाइड कर दोगे तब 180 आ जाएगा, है ना। अब ये जो बच्चे होती है ना 2 पाई, पाई की लैंग्वेज में इसको हम रेडियन कहते हैं। अगर मुझे 1 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो क्या होगा, अगर मुझे 1 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो क्या होगा, तो 1 डिग्री की वैल्यू चाहिए होगी तो पाई अपॉन 180 रेडियन कहलाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर, समझ में आ रहा है ना। अगर बोला जाएगा 360 डिग्री इक्वल टू कितने रेडियन, तो 2 पाई रेडियन, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री क्या होगा, तो यहां पे 1 रखो और इसको नीचे कर दो तो पाई अपॉन 180 रेडियन, ठीक। अब बच्चों 1 डिग्री होता है 60 मिनट के बराबर, 1 डिग्री होता है 60 मिनट के बराबर, और 1 मिनट होता है 60 सेकंड के बराबर, इतना तो आता ही है घड़ी वाले, 1 डिग्री होता है 60 मिनट के बराबर और 1 मिनट होता है 60 सेकंड के बराबर, इतना याद करके रखेंगे आप लोग। अब देखो क्या है, मेरे से पूछा गया है कि 1 डिग्री की वैल्यू बता दो। अब 1 डिग्री की वैल्यू कैसे ढूंढा जाएगा, कैसे ढूंढा जाए, तो यहां पे हमको कुछ तो दिख रहा है ना, हमको यहां पे कुछ दिख रहा है, तो चलो जरा सॉल्व किया जाए। अब 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, है ना, 360 डिग्री, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 360, 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई, इस तरफ नीचे लेके आ गए, ये रेडियन आया।
जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 3.14 डिवाइड बाय 360, जब इसको सॉल्व करोगे तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आती है, जब इसको सॉल्व करोगे तो जो इसकी वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी, याद है किसी को, 1.745 इंटू 10 की पावर 2 रेडियन, है ना। जब इसको सॉल्व करोगे, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना आराम से, है ना। मैं ये नहीं कहता कि आप इसको याद करो, लेकिन अगर आप लोगों को याद होगा तो ये आपके लिए आसान होगा। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि 1 डिग्री इक्वल टू कितने रेडियन, तो 1 डिग्री इक्वल टू इतने रेडियन, ठीक है। चलिए दूसरा जरा देखा जाए बच्चों, दूसरा हमसे क्या पूछा गया, बहुत ही आसान है। दूसरा हमसे पूछा गया है 1 मिनट बता दो। अभी 1 मिनट को क्या लिखा था हमने, 1 मिनट को 60 सेकंड लिखा था ना, 60 सेकंड। क्या मैं इस चीज को ऐसा बोल सकता हूं 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 सेकंड। सर मजा नहीं आया ना, मजा नहीं आया ना। देखो ऐसे कर सकते हैं क्या, देखो आराम से, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 सेकंड, 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 मिनट होता है, सॉरी 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है, बिल्कुल होता है, और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 मिनट में कितना, 60 इंटू 60 सेकंड नहीं होगा, 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, तो 60 मिनट में कितना हो जाएगा, सेकंड को कन्वर्ट किया हमने, तो ये आ जाएगा 3600 सेकंड। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, सुन लो, 1 मिनट में 60 सेकंड, ठीक, 1 मिनट 1 डिग्री में 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 मिनट में कितना हो जाएगा, 60 इंटू 60 नहीं हो जाएगा, आता सभी लोगों को। अब क्या करें सर, क्या करें, हमको पूछा गया है 1 मिनट की बात। अब 1 मिनट कहां छुपा हुआ है, इसकी हेल्प लेते हैं, ठीक है, आराम से, टेंशन नहीं लेने का। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, या फिर ऐसे लिखो 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। 1 मिनट कितना होगा बच्चों, 1 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री अपॉन 60, या बराबर 60, है ना। क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं 1/60 इंटू 1 डिग्री, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो सर, कोई दिक्कत नहीं है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 1/60, और 1 डिग्री की तो वैल्यू हमने पहले से सॉल्व करके रखा हुआ है, 1.745 इंटू 10 की पावर -2 रेडियन। क्या मेरी बात सभी लोगों को समझ में आ रही है, ये खेल समझ में आया, क्या हमने खेल खेला है, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड, तो 60 मिनट के अंदर 60 इंटू 60 इतना, हमें बताना है 1 मिनट के अंदर कितनी वैल्यू होती है, तो 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री, अभी कुछ देर पहले लिखा था हमने इधर यहाँ पे। फिर क्या किया हमने, 1 मिनट चाहिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1 डिग्री की तो पहले ही से हमने वैल्यू पता करके रखी है, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कुछ वैल्यू आएगी, और 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, ऑलमोस्ट 2.4 इंटू 10 की पावर -4 रेडियन होती है, ऑलमोस्ट इसके बराबर होती है। चलो सर अब क्या होगा, सी वाला खुद करेंगे, आप लोगों के लिए होमवर्क है ये। तो क्या होगा, मुझे चाहिए 1 सेकंड की वैल्यू, है ना, 1 सेकंड की वैल्यू चाहिए। अब क्या करें सर, कुछ मत करो, ये देखो 1 डिग्री इज इक्वल टू, ये लिखो 3600 सेकंड, है ना। तो अगर मैं 1 सेकंड की बात करूं तो 1 डिग्री अपॉन 3600 होगा, बिल्कुल होगा। इसी चीज को मैं लिख सकता हूं 1/3600 इंटू 1 डिग्री, और इसी चीज को लिख सकता हूं 1/3600
इंटू वन डिग्री की वैल्यू रखो कहां गई 1.745 इंटू 10 की पावर माइनस 2 रेडियन। इसका आंसर आप लोग मेरे कमेंट करोगे, कुछ नहीं करना है सिर्फ डिवाइड करना है और आप लोग मुझे कमेंट करोगे इसका आंसर। चलिए जल्दी से छापिए इसको, जल्दी से छापिए इसको। इसकी 2.4 नहीं 2.9 होती है, 2.9 छाप लिया आप लोगों ने। चलिए अब हम अपने सवाल को सॉल्व करने वाले हैं कि क्या है हमारा सवाल। मैं रफ कर रहा हूं, चलिए अब आज की क्लास का आखिरी सवाल। आखिरी सवाल क्या है, पैरेलेक्स मेथड पे है, पैरेलेक्स मेथड के अकॉर्डिंग एग्जांपल नंबर 2। देखो बच्चों, मान लो हमें बताना है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून एज पर गिवन एज पर गिवन वैल्यूज, कुछ हमको या गिवन डाटा कह लेते हैं, गिवन डाटा है ना, कुछ डाटा है उस डाटा को जरा लिख लो। पहला डाटा क्या है, डायमीटर ऑफ अर्थ दिया हुआ है, कितना है मुझे चेक करना होगा, डायमीटर ऑफ अर्थ दिया हुआ है 1.276 इंटू 10 की पावर 7 मीटर, ठीक है। एंगल दिया हुआ है, एंगल सबस्टेंडेड एंगल दिया हुआ है 54 मिनट्स दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, ये सारा कुछ दिया हुआ, और बस इतना ही दिया हुआ है। चलिए बताइए, हमको डायमीटर दे दिया हुआ है, हमको एंगल दे दिया हुआ है, और हमसे पूछा गया है कि डिस्टेंस अर्थ से मून तक का क्या होगा। चलो मैं डायग्राम बना देता हूं, फिर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारा अर्थ है बच्चों, ये है डायमीटर ना अर्थ का, डायमीटर ऑफ अर्थ दिया हुआ, मैं हिंट दे रहा हूं, ये हमारा मून है, ठीक, और ये मून से ये वाली जो डिस्टेंस है ये हमको बतानी है, इसको हमने कैपिटल डी बोल दिया, कैपिटल डी। अगर आप ध्यान दोगे तो ये तो बेस है और ये वाला एंगल थीटा दिया हुआ है, निकाल के जरा देखिए और मुझे बताइए, सॉल्व करिए और मुझे बताइए कितना आंसर आता है। ट्राई करिए वीडियो को पॉज करके और इसको सिंप्लीफाई करिए। मैं दूं हिंट, चलो देखो बच्चों, सबसे पहले ये बेस कितना है दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ बेस कितना है, डायमीटर ऑफ अर्थ के बराबर ही तो होगा, 1.276 इंटू 10 की पावर 7 मीटर, ठीक है सर, बहुत अच्छा। थीटा कितना दिया हुआ बच्चों, तो थीटा दिया हुआ है 1 डिग्री 54 मिनट दिया हुआ है, ये तो मैंने सिखाई दिया अभी आप लोगों को, है ना। तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस बी अपॉन डी। सर अगर सर इसको ऐसा लिखा जाए d इज इक्वल टू बी अपॉन थीटा तो कोई बुराई नहीं है, d इज इक्वल टू बी अपॉन थीटा। अब b की वैल्यू कितनी है, तो b की वैल्यू है 1.276 इंटू 10 की पावर 7 मीटर डिवाइडेड बाय थीटा, थीटा है 1 डिग्री 54 मिनट। अब सर फंस गए हम तो, अब डिग्री को मीटर से कैसे डिवाइड किया जाए, फंस गए। इसी के लिए मैंने पुराना वाला क्वेश्चन कराया ताकि ये वाला क्वेश्चन कर सको आप।
अभी मैंने आप लोगों को कुछ देर पहले बताया था कि 1 डिग्री कितना होता है, तो 1 डिग्री की वैल्यू किसी को याद है? किसी को याद है कितनी वैल्यू होती है? 1 डिग्री की वैल्यू 1.7 × 10⁻². रेडियन थी ऐसा कुछ तो था ना ऐसा कुछ 1.745 1.7 लो काम ठीक है। अब हमको 54 मिनट की टेंशन, हमको इसकी टेंशन नहीं है, हमको तो ये याद है, हमको ये याद नहीं होगा। मान लो जिन बच्चों को याद नहीं है, मान लो कुछ बच्चों को याद नहीं है, तो क्या करेंगे हम, 360 degree = 2π radian होता है। 1 डिग्री की जगह हम 2π/360 करेंगे और यहां से 2 × 3.14, पाई की वैल्यू होती है 3.14 डिवाइड बाय 360 करेंगे और यहां से जब इसको सॉल्व करोगे तो 1.745 या 1.7 ही ले लो, काम चल जाएगा उतने से 10⁻²। ठीक है, चलो सर इतनी बातें हो गई। अब क्या करना है, 1 डिग्री की तो बात हो गई, 54 मिनट की बात फंस गई है, तो 54 मिनट की बात कैसे निकाली जाए, 54 कैसे निकालेंगे, सोचो सोचो 54 क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं 1 degree = 60 minutes कह सकता हूं ना, 1 degree = 60 minutes। तो मैं ये कह सकता हूं यहां से ऐसे लिखें 1 degree, तो मैं ये कह सकता हूं 1 minute = 1/60। तो 54 मिनट के लिए बच्चों क्या होगा, 54 मिनट के लिए हो जाएगा 1/60 × 54। फिर से सुनो, आराम से सुनो, गलती नहीं होनी चाहिए। 60 minutes = 1 degree, तो 1 minute = 1/60। ठीक, अब 1 minute की 1/60 है तो 54 मिनट की कितनी होगी, 54 × 1/60। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 0.9 के बराबर आता है, ऑलमोस्ट 0.9 के बराबर आ जाएगा। जल्दी से कॉपी करें, इसको जल्दी से कॉपी करें। तो कितना आ जाएगा ये, 0.9 के बराबर। तो हमारा ये क्या बनेगा, तो हमारा ये बन जाएगा D = 1.276 × 10⁻¹² / 1 degree। 54 मिनट की कितनी वैल्यू है, 0.9 degree। अच्छा और ज्यादा इसको सिंप्लीफाई करते हैं ज्यादा। अब 1 degree 54 मिनट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 degree + 0.9, ये हो जाएगा 1.9 degree, है ना। इसको सारा का सारा हमने जोड़ दिया तो 1.9 degree। अब जरा पुट करो, 1.276 × 10⁻¹² / 1.9 degree। अब फिर फंस गए हम कि सर 1.9 कहां से आए, तो 1.9 कैसे निकालेंगे हम। देखो बच्चों, 1 degree = 360 degree = 2π। ठीक, तो 1 degree = 2π/360, तो 1.9 degree कितना होगा, 2π/360 × 1.9। यहां से सारी वैल्यू को रखेंगे और हमारा आंसर आएगा। मुझे पता है बहुत से बच्चों को थोड़ा सा टफ लगा होगा, अभी हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे आपके लिए × 1.9। सुनो जरा ध्यान से क्या मैंने किया, आराम से सुनिए। मैंने ये किया, डायमीटर अर्थ का दिया था, एंगल की वैल्यू दी हुई थी, हमने कहा कि हमारे पास ये फॉर्मूला θ = b/d, हमको डी चाहिए, डी को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बी बाय थीटा गया, थीटा की वैल्यू ये आ गई, और यहां पे जाके हम फंस गए कि अब थीटा कैसे निकाला जाए, ये तो डिवाइड ही नहीं हो सकता है। हमने कहा 360 degree = 2π, तो 1 degree कितना होगा, 2π/360। इसको हमने सिंप्लीफाई किया और हमको ये याद है 1.745, हम 1.7 से काम चला लेंगे, तो 1.7 × 10⁻²। उसके बाद अब हमको फंस गए
54 डिग्री में, इसकी वैल्यू हमको पता है ठीक। अब 54 डिग्री में फंसे तो 54 डिग्री के लिए क्या करेंगे, तो हमारे पास है ये 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 है ना। अब 54 मिनट के लिए 1 मिनट के लिए 1/60, तो 54 मिनट के लिए 1/60 इनटू 54, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.9 के बराबर आता है, दिख रहा है मेरे को ये 0.9 के बराबर आता है, लिख दिया मैंने यहां पे। अब इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, है इनको हमने जोड़ा तो 1.9 डिग्री आ गया, इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो 1.9 डिग्री आया। अब क्या किया हमने, ये डाटा रखा, अब 1.9 डिग्री फिर फंस गए, तो 1.9 डिग्री के लिए क्या किया, 360/2π, 1 डिग्री के लिए इतना रेडियन, तो 1.9 के लिए कितना, 2π/360 × 1.9, यहां पे हमने वैल्यू रखी और इसको सॉल्व करोगे और ये आंसर मुझे कमेंट में आप लोग बताएंगे। तो दो होमवर्क है आप लोगों का, क्या कि दोनों को आपने सिर्फ कैलकुलेटर से सॉल्व करना है और यहाँ पे आंसर लिखना है, और ये जितनी भी डिस्टेंस की वैल्यू होगी वो डिस्टेंस की वैल्यू, इसको क्या करना है, ये कैपिटल डी है ना, कैपिटल डी, तो इस डिस्टेंस की वैल्यू को बताएंगे और यही डिस्टेंस की वैल्यू सन से सॉरी अर्थ से मून तक की आएगी ठीक है। चलिए तो इस टॉपिक में हमने आज के वीडियो में सारा का सारा यूनिट का कंसेप्ट देखा। अगला जो मेरा वीडियो आएगा उसमें मैं डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ाऊंगा, और ये बिल्कुल प्योर आप लोगों के लिए न्यू होगा क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस हमने कभी पढ़ाई नहीं है 10th में। तो क्या होती है डायमेंशनल एनालिसिस, उसको हम फील करवाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।